नमस्कार दोस्तों, ट्रस्ट वेदर थ्रंक में आपका स्वागत है। बताएंगे आपको अगले 24 घंटों के दौरान किस तरह का मौसम का हाल। उससे पहले दोस्तों आपको बता दें कि जो गतिविधियां बारिश की हैं वो कई इलाकों में काफ़ी अच्छी हो सकती हैं, और आप इंस्टाग्राम पे जाइए और लिंक भेजिए और ब्लॉग चैनल पर सपोर्ट भी कर सकते हैं। आप लोग जाइए, इंस्टाग्राम नीचे लिंक है, जाइए उसको पहले भेजिए, उस पर आप देखिए, उसको भेजिए आपको वीडियो। तो बाकी देख पाएंगे जो गतिविधियाँ ये कई इलाकों में काफ़ी अच्छी हो सकती हैं और कई इलाकों में काफ़ी व्यापक बारिश हो रही है। और हमने भेजने को कहा था, कुछ लोग जुड़े तो ज़रूर हैं लेकिन उनके इलाके में हो सकता है कि बारिश ना हो रही हो और कई लोग ज़्यादा लोग नहीं जुड़ पा रहे हैं। और ये देख पाएंगे ना, ये गतिविधियाँ काफ़ी अच्छी है, इसमें देख पाएंगे मैप में आपको नजर आ रहा होगा। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि एक हापुड़ के एक मनिंदर भाई हैं हमारे, उन्होंने एक वीडियो भेजा है। ये आज सुबह का हापुड़ जिले उत्तर प्रदेश में कई इलाकों में काफ़ी मूसलाधार बारिश हो रही है। देख पाएंगे ये आधा सेकंड का वीडियो, देख पाएंगे इसमें कितनी अच्छी देख पाएंगे गतिविधियाँ देखने को मिल रही हैं। कई इलाकों में काफ़ी व्यापक मूसलाधार बारिश देख आप देख रहे हैं इसमें नज़र आ रही है। तो इस तरह से आप वीडियो भेजेंगे तो आपको इसमें आपको हम बताने का प्रयास करेंगे किस तरह का गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं और कई इलाकों में काफ़ी व्यापक बारिश की संभावना यहाँ पर नज़र आ रही है। तो ये देख पा रहे होंगे कई इलाकों में काफ़ी अच्छी वर्षा यहाँ पर देखने को मिल रही है, तो और आवाज़ भी काफ़ी सुंदर लगता है जब गतिविधियाँ बारिश की देखने को मिलती। देखिए ये कितना अच्छा बारिश की संभावना नज़र आ रही है यहाँ पर, कितनी अच्छी बारिश हो रही है। चलिए अब बताते हैं कैसा रहेगा मौसम का हाल। मैप में आप देख सकते हैं, मैप में गतिविधियाँ काफ़ी बेहतर रह सकती हैं। जम्मू कश्मीर से लेकर गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में गतिविधियाँ काफ़ी कम रहेंगी, लेकिन फिर भी हल्की से मॉडरेट शावर्स की उम्मीद फिलहाल हम कर रहे हैं। कहीं कहीं पर मध्यम से भारी बौछार भी देखने को मिल सकती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में गतिविधियाँ अच्छी हो सकती हैं, कई इलाकों में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। ईस्ट यूपी, बिहार लगभग सूखा रहेगा, पूर्वोत्तर राज्यों में गतिविधियाँ काफ़ी कम रहेंगी, और पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा इन क्षेत्रों में गतिविधियाँ काफ़ी कम रहेंगी, लेकिन मध्यम से भारी बारिश कई इलाकों में देखने को मिल सकती है। यानी कि पूर्वोत्तर राज्यों में और पूरे राज्यों में गतिविधियाँ अभी फिलहाल कम ही रहने वाली हैं, बढ़ती नज़र अभी नहीं आ रही हैं। बाकी मध्य प्रदेश में देख पा रहे हैं गतिविधियाँ काफ़ी बेहतर रह सकती हैं, कई इलाकों में भारी बारिश होगी। गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों में कई इलाकों में काफ़ी व्यापक बारिश हो सकती है, गतिविधियाँ काफ़ी प्रबल हो सकती हैं, तो यहाँ पर भी लोगों को सतर्क रहने की काफ़ी आवश्यकता रहेगी। मध्य राष्ट्र में कई इलाकों में काफ़ी भारी बारिश होगी। विदर्भ, तेलंगाना में भी कई काफ़ी इंटेंस स्पेल हो सकता है, और जो हमारे साथ साथ में जो गतिविधियाँ हैं वो विदर्भ के साथ साथ तटीय आंध्र प्रदेश में भी काफ़ी अच्छी देखने को मिल सकती हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी नज़र आ रही है। तो उम्मीद कर रहे हैं कई इलाकों में काफ़ी अच्छी और काफ़ी व्यापक बारिश की संभावना है, तो यहाँ पर लोग फिलहाल सतर्क रहें, सावधान रहें, जिससे किसी प्रकार का नुकसान बिल्कुल भी देखने को ना मिले। और बाकी आप भी अभी देख पा रहे हैं कई इलाकों में काफ़ी अच्छी वर्षा की संभावना नज़र आ रही है, कई इलाकों में काफ़ी इंटेंस पर बारिश हो सकता है, और दक्षिण भारत में कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, पुडुचेरी, तटीय आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में गतिविधियाँ काफ़ी कम रहेंगी, फिर भी कई इलाकों में काफ़ी अच्छी वर्षा यहाँ पर देखने को मिल सकती है। देख पाएंगे आप लोग गतिविधियाँ काफ़ी बेहतर रह सकती हैं। कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि जो बारिश है वो कई इलाकों में काफ़ी अच्छी हो सकती है, कुछ इलाकों में काफ़ी कम रहेगी। और आज थोड़ा सा दिक्कत हो गई वीडियो बनाने में, लाइट जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो गई है, कहीं बहुत तगड़ी धूप निकली हुई है, तो थोड़ा सा कहीं कहीं पर जो है छाँव भी आता है ना, तो इसीलिए देख पाएंगे इसमें कुछ पर जो अजीब सा दिख रहा हो, तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में आते कितना मिलते हैं इसके अगले बुलेटिन, तब तक के लिए धन्यवाद।